आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि मेरी जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं है। आप में से शायद बहुत से लोग ये जानते नहीं होंगे कि फूटी कौड़ी आखिर किस बला का नाम है। तो आज हम आपको बताते हैं कि फूटी कौड़ी क्या है। तो जनाब, ये हिंदुस्तान में पुराने वक्तों में इस्तेमाल होने वाली सबसे छोटी करेंसी थी। ये एक छोटी सी सीप होती थी जो दरमियान से टूटी, बल्कि दरमियान से फूटी होती थी। इस वजह से इसे फूटी कौड़ी कहा जाता था। फूटी कौड़ी के बाद बारी आती थी कौड़ी यानी साबुत कौड़ी की, और उसकी कद्र कितनी थी? एक साबुत कौड़ी 3 फूटी कौड़ियों के बराबर हुआ करती थी। इस हवाले से भी आपने अक्सर मुहावरा सुन रखा होगा कि फुलां तो कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गया है, और कौड़ी से ऊपर हुआ करती थी दमड़ी। दमड़ी की कद्र कितनी थी? तो जनाब, 10 साबुत कौड़ियों के बराबर एक दमड़ी हुआ करती थी। दमड़ी के हवाले से भी आपने मुहावरा सुन रखा होगा कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ताहम यहाँ ये बताते चलें कि फूटी कौड़ी और कौड़ी तो समंदर से निकाली जाती थी, ताहम दमड़ी टकसाल में ढाला जाने वाला कांसी का सिक्का था। उसके बाद बारी आती 2 दमड़ियां बराबर एक धेले के हुआ करती थीं। धेले से ऊपर हुआ करता था एक पैसा, यानी 2 धेले बराबर एक पैसा। उसके बाद 2 पैसे बराबर एक टका, 2 टके बराबर एक आना, 2 आने बराबर एक दवन्नी के, 2 दवन्नी बराबर एक चवन्नी के, 2 चवन्नियां बराबर एक अठन्नी के, 2 अठन्नियां बराबर हुआ करती थीं एक रुपए के। और रुपया आज भी पाकिस्तान और भारत में करेंसी का बुनियादी यूनिट है। आजकल तो आप अक्सर देखते हैं कि हमारे यहाँ 1 रुपए का सिक्का नजर आता है, गोया 1 रुपए में 100 पैसे, जबकि 16 आने होते हैं। और आपने अक्सर ये मुहावरा भी सुन रखा होगा कि ये बात आपने 16 आने दुरुस्त की है। मतलब उस जमाने में रुपए की इतनी अहमियत थी कि दुरुस्त बात को 1 रुपए के बराबर अहमियत दी जाती थी। और अगर मैं अपने बचपन की बात आपको बताऊं तो मैंने 1 आना तो नहीं, अलबत्ता 5 आने का सिक्का जरूर इस्तेमाल कर रखा है। बिलखुसूस स्कूल जाने से पहले जब जेब खर्च के नाम पे चवन्नी या 2 10 आने के सिक्के और 1 5 आने का सिक्का मिला करता था, और ऐसे लगता था कि हमसे बढ़कर अमीर कोई नहीं। तो बहरहाल हमारे आज के वीडियो का मकसद था आपको हिंदुस्तान में इस्तेमाल होने वाले पुराने करेंसी के सिक्कों के बारे में आगाही देना। उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। हमें अपने कमेंट्स में इसके बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल की सब्सक्रिप्शन को भी कंसिडर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।